कच्चे आम की मीठी चटनी को अमिया की लौंजी या अचारी भी कहते हैं। इसे बनाने के लिए 1.5 किलो कच्चे आम छीलकर इनका गूदा छोटे टुकड़ों में काट लें, या आप इनको कद्दूकस भी कर सकते हैं। कद्दूकस आम की चटनी को पंजाब में अचारी कहते हैं। टुकड़ों में कटे आम की चटनी को मध्य और पश्चिम भारत में लौंजी कहते हैं। गुठलियों को फेंक दें। काटने के बाद गूदा 750 ग्राम रह गया है। कटे आम के टुकड़ों को एक बर्तन में मध्यम आंच पर रख दें। इसमें 500 ग्राम या स्वादानुसार चीनी भी डाल दें। चीनी की मात्रा कच्चे आम के खट्टेपन के अनुसार घटा या बढ़ा सकते हैं। अच्छी तरह मिलाएं, फिर बर्तन को ढककर 10 मिनट पकाएं। बीच बीच में हिलाते रहें जब तक चीनी पूरी तरह अमिया के जूस में घुल ना जाए। बर्तन को फिर से ढक दें और ढककर 20 मिनट पकाएं, या जब तक अमिया के टुकड़े गल ना जाएं। आवश्यकता होने पर 5 या 10 मिनट और पकाएं। आम के टुकड़े अब गल चुके हैं। ढक्कन हटाकर 10 मिनट और पकाएं, या जब तक अमिया के टुकड़े पारभासी ना हो जाएं। आंच को मध्यम ऊंचा तेज कर दें। इसमें 1.5 छोटी चम्मच या स्वादानुसार नमक, 1/4 छोटी चम्मच या स्वादानुसार पिसी लाल मिर्च, 1 छोटी चम्मच भुना पिसा जीरा और 1 छोटी चम्मच गरम मसाला डाल दें। अच्छी तरह मिलाएं और 5 मिनट उबलने दें, या जब तक चाशनी जैसा गाढ़ापन ना आ जाए। एक बात का ध्यान रखें कि ठंडा होने पर यह और गाढ़ा हो जाएगा। चख कर नमक आदि एडजस्ट कर लें। अच्छी तरह मिलाएं और आंच बंद कर दें। अब इसमें 2 या 3 छोटी चम्मच खरबूजे के छिले हुए बीज डाल दें। अच्छे से मिलाएं और बर्तन को ढककर ठंडा होने दें। ठंडा होने पर इसे अच्छी तरह साफ किए और सूखे कांच के बर्तन में भर लें। इसे आप 2 या 3 वर्ष तक प्रयोग कर सकते हैं। आनंद लें। ऐसे और रेसिपी वीडियो देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। ये बिल्कुल मुफ्त है।